हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी मतलब कि सोनी के कैमरा से आप अपने मतलब एंड्रॉयड या फिर आईओएस डिवाइस के अंदर फोटोज़ को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो नॉर्मली एक तरीका तो है कि आप मेमोरी कार्ड को डायरेक्टली लैपटॉप वगैरह में लगा के और उन फोटोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली आप यहाँ पर वाईफाई का यूज़ करके फोटोज़ को शेयर कर सकते हो, और फोटोज़ की जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम ही रहेगी जो आप मतलब कि डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्ट करके निकालोगी, सेम उसी क्वालिटी में आपको मोबाइल में देखने को मिल जाएंगी। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको अपने डिवाइस के अंदर इमेजिंग एज मोबाइल करके ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है, और ये ऑफिशियल सोनी की एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आप फोटोज वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हो या फिर जो आपकी कैमरा की लाइव फीड है ना उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड करने के बाद ये अब एप्लीकेशन आपको करनी है ओपन। और मोबाइल में एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपको अपने कैमरा को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल है ना मेन्यू बटन पे जाना है। तो मेन्यू बटन पे चले जाओगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है ना ये ग्लोब का आइकन करके, इसमें जो पहली लिस्ट में पहला ही ऑप्शन है सेंड टू स्मार्टफोन फंक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर फिर आपको सेंड टू स्मार्टफोन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप डिवाइस में से फोटोज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो कैमरा डिवाइस से या फिर स्मार्टफोन से। तो हम स्मार्टफोन से सेलेक्ट करना चाहते हो तो हम स्मार्टफोन पे जाके इसको इनेबल कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो वाईफाई है वो ऑन हो जाएगा कैमरा का। देन उसके बाद आपको अपने मोबाइल में सेटअप कर लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पर इस वाली स्क्रीन पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट वाले ऑप्शन पर, और स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जॉइन पे क्लिक कर देना है। तो जो वाईफाई है आपके मतलब कि कैमरा का वो अभी मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हो हमारा वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपकी जितनी भी फोटोज़ वीडियोज़ होंगी ना वो सारी की सारी यहाँ पर दिखा देगा। आप चाहो तो वीडियोज़ को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट वीडियोज़ में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियोज़ की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। देन यहाँ पर आपको फोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है, और ये मैंने कल रात को फोटोज़ क्लिक की थी, तो ये वाली फोटोज़ हैं। यहाँ पर मैं आपको इनमें से एक फोटो एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। और ये बोल रहा है कि आपको जो इमेज है वो इंपोर्ट करनी है ओरिजिनल क्वालिटी में ही, तो हाँ हमें ओरिजिनल क्वालिटी में ही करनी है, तो यहाँ पर आप ओके कर देना, और जो आपकी इमेज है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो कॉपी होने लग रही है, और इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जो साइज है वो काफ़ी बड़ी होती है फोटोज़ की। तो यहाँ से हमारी जो मतलब कि इमेज है वो कॉपी हो चुकी है। और जब आप इस ऐप को है ना फर्स्ट टाइम मतलब कि सेटअप करोगे तो यहाँ पर आपकी जो इमेजेस है वो फुल क्वालिटी में मतलब कि सेव नहीं होंगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर इमेज साइज इंपोर्टिंग के ऑप्शन पर जाके आप इसको ओरिजिनल पर इनेबल कर देना है। पहले 2M के ऊपर होगा तो इसको चेंज कर देना, जिसकी हेल्प से आपको जो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी होगी ना वो मिल जाएगी। और अब बात करें इस फोटो की, तो मैं यहाँ पर फोटोज़ में जाके आपको दिखा देता हूँ कि वो वाली फोटो आई है नहीं आई है। तो ये देख सकते हो हमारी ये वाली फोटो है, ये आ चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो इमेज है वो सेव हुई है इमेजिंग एज ऐप से। और यहाँ पर आप मतलब कि जो भी कैमरा का लेंस वगैरह और जितना भी मतलब कि सेटिंग्स वगैरह फोटो क्लिक हुई थी वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सोनी कैमरा से जो फोटोज़ वगैरह हैं उनको डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी के अंदर। तो ये थे सिंपल से शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँ।